यहाँ पे हमको पढ़ना है बेसिकली क्लासिफिकेशन पढ़ना है फेरस मेटल्स के। क्लासिफिकेशन मेटल्स में हमें पढ़ना है फेरस मेटल्स। फेरस मेटल्स क्या होते हैं? बेसिकली फेरस मेटल्स वो होते हैं जिनमें आयरन, जहां पे भी जिस भी मेटल में या जिस एलॉय में आयरन प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं फेरस मटेरियल्स या फेरस मेटल्स। अब इनके क्लासिफिकेशन हैं इसमें। इसके साथ साथ इसमें आपको ये भी देखना है कि किस तरह से इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और इनके क्या क्या यूजेस हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है मेटल्स एंड अलॉय, इनको क्लासीफाई किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आप देखिए, हालांकि आपने बेसिकली पहले पढ़ चुके होंगे कि क्या होता है फेरस एंड नॉन फेरस। ठीक है, तो जहां पे फेरस लिखा है वहां पे मतलब उसमें आयरन प्रेजेंट होगा वो फेरस कहलाएंगे। यहाँ पे नॉन फेरस जैसे कि आपका कॉपर हो गया, जिंक हो गया, निकिल हो गया। ठीक है, इस तरह के जितने भी मेटल्स होते हैं ये नॉन फेरस के अंदर आते हैं, जहां पे आयरन प्रेजेंट नहीं होता दूसरे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली स्टडी करना है इस तरफ वाले पार्ट की, फेरस मेटल्स की बात की स्टडी करना है, हमें नॉन फेरस में भी स्टडी नहीं करना है। तो यहाँ पे नॉन फेरस जो मेटल्स होते हैं इनको क्लासीफाई किया गया है दो सेक्शंस में, एक होता है स्टील और एक कास्ट आयरन। जैसे अभी मैंने आपको बताया, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि आयरन कार्बन डायग्राम में आपने देखा था कि जब हम आयरन में कार्बन का परसेंटेज बढ़ाते जाते हैं तो स्टील बनता है, और जैसे जैसे और कार्बन का परसेंट 2% से ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो वो कास्ट आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह के क्लासिफिकेशन है आपके स्टील के, कितने टाइप्स होते हैं, लो एलॉय एंड हाई एलॉय। लो एलॉय का मतलब जहां पे हमारा जो एलॉय का कंटेंट है वो कैसा रहेगा, वो कम रहेगा और कार्बन का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, तो जिस उसको कहेंगे हम लो एलॉय। ठीक है, हाई एलॉय जहां पे कार्बन का परसेंटेज कम होगा और एलॉय का परसेंटेज ज्यादा होगा। यहाँ देखिए, इसको भी डिवाइड किया गया तीन सेक्शंस में, लो, मीडियम एंड हाई कार्बन स्टील। कार्बन अगर आप कहते हैं लो एलॉय स्टील, तो वहां पे लो एलॉय मतलब कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है, तो वहां पे कार्बन को भी फिर डिफाइन किया गया तीन सेक्शन में, लो, मीडियम एंड हाई। इस तरह से इसको डिवाइड किया सब सेक्शन में, प्लेन और हाई, फिर मीडियम में भी प्लेन एंड हाई। इतने तरह से क्लासिफिकेशन एक्चुअली इसके क्यों किए गए हैं, इसका कुछ रीजन, इसका रीजन ये है कि हमें जो आप मार्केट में अभी आप कोई भी चीज के लिए स्टील को परचेस करने जाते हो तो जनरल वे में बोलते हैं स्टील दे दीजिए आप, लेकिन स्टील के बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, वो डिफाइन करते हैं, उनका एक नंबर होता है, उनको नंबर से डिफाइन किया जाता है। हम आगे चल के पढ़ेंगे कैसे हम स्टील को ग्रेड्स में या नंबर्स में डिवाइड करते हैं। तो वो जो ये सारे क्लासिफिकेशन है, ये सारे क्लासिफिकेशन उन्हीं के अंदर आ जाते हैं, और इसलिए इतने क्लासिफिकेशन दिए ताकि हम उनको अलग अलग नंबर से डिफाइन करके एक्सप्लेन कर सकें, समझ सके कि हाँ किस मेटल में क्या प्रॉपर्टी है और किस तरह से उसको कहाँ यूज करना है। ये बेसिकली ये क्लासिफिकेशन है। फिर उसका कास्ट आयरन है। ठीक है, कास्ट आयरन जो होता है वो ग्रे कास्ट आयरन, डक्टाइल, व्हाइट कास्ट आयरन एंड मेलिबल कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन के क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो बेसिकली फेरस में दो चीजें आएंगी, फेरस मटेरियल में स्टील, नंबर वन स्टील और दूसरा कास्ट आयरन। ठीक है, तो अब इसमें स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है देखिए। तो फेरस मेटल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हम क्यों करते हैं, पहले तो ये समझना चाहिए इंट्रोडक्शन में कि फेरस मेटल्स ही हम क्यों यूज करते हैं, कॉपर, निकल, जिंक, ये सारे मेटल्स का हम यूज क्यों नहीं करते हैं। द फेरस मटेरियल्स कंटेन्स आयरन, फेरस मटेरियल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड एलॉय इन द मेटलर्जिकल एंड मैकेनिकल इंडस्ट्री। तो ये जो है सबसे ज्यादा आपको जहां पे भी आप अपने आसपास में सराउंडिंग में देखोगे आपको फेरस मेटल्स ही दिखेंगे। जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं वो कम देखने को मिलते हैं, हमें बहुत कम एप्लीकेशंस होते हैं जिनमें इनका यूज किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फेरस मेटल्स का। बस ये हो सकता है कि किसी में उसको हम स्टील बोलेंगे, किसी में कास्ट आयरन बोलेंगे, किसी में प्योर आयरन बोलेंगे, लेकिन रहेगा वो सारे फेरस मेटल। अब इनका जो बेसिकली तीन कारण है जिनकी वजह से इनको हम डे टू डे लाइफ में या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, पहला रीजन ये है कि हमारे अर्थ क्रस्ट में, जमीन के अंदर हमारे बहुत क्वांटिटी में, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आयरन ओर प्रेजेंट है। आयरन ओर प्रेजेंट है। अब ओर क्या होता है ये आपको पता होगा, ओर मतलब खनिज जिनको कहा जाता है हिंदी में, और ओर से क्या होता है हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, या आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल एक प्रकार के आयरन के लिए, जहां से हम क्या करते हैं उसको एक फर्नेस में डाल करके प्योर आयरन को निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कहलाता है आपका बेसिकली हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत ज्यादा खदान के अंदर या कह सकते हो माइनिंग के दौरान हमें सबसे ज्यादा जो मिलता है वो क्या मिलता है, आयरन के ओर मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम आयरन का ज्यादा यूज करते हैं। दूसरा रीजन ये है कि इसकी जो प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है किस तरह से हम उसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं या साफ करके अलग करना। जब हम आप ओर निकालते हो, जो और माइनिंग से निकलता है उसको हम क्या करते हैं, फर्नेस में डालते हैं, और उस फर्नेस के द्वारा क्लीनिंग किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, हम निकालते हैं उसको। तो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस का बहुत आसान है, फिर रिफाइनिंग का प्रोसेस और आसान है,
एलोइंग एंड फैब्रिकेशन। एलोइंग मतलब उसमें हमें कार्बन का परसेंटेज डाल के या किसी दूसरे एलिमेंट का परसेंटेज डाल के प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी जो इजी प्रोसेस है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, आयरन का या फेरस मेटल्स का ज्यादा यूज करते हैं। ये दो रीजन ये हो गए। तीसरा रीजन ये है कि हमको क्या कर सकते हैं, हम इसमें अपने हिसाब से मेटल को बना सकते हैं या एलॉय को हम अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। किसी भी ग्रेड का स्टील जनरेट कर सकते हैं, किसी भी ग्रेड का कास्ट आयरन डेवलप कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम क्या करते हैं, आयरन में कार्बन का परसेंटेज मिलाएंगे तो वो स्टील बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप वेरी करते जाओ, 0.0008 से लेकर के आप 6.6% तक आप वेरी कर सकते हो। तो आप हर 1% पे जा करके मिला करके कार्बन का परसेंटेज एक अलग तरह से, यहाँ पे लिखा हुआ शब्द टेलर्ड, टेलर्ड का मतलब होता है अपने हिसाब से हम बना सकते हैं उसको। ठीक है, यही एक बेसिक तीन कारण है जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, फेरस मेटल्स का सबसे ज्यादा यूज करते हैं हमारे मैकेनिकल फील्ड में या मेटलर्जिकल फील्ड में, या हम कह सकते हैं मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा इनका यूज इसीलिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन और ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। तो ये आपको हल्का सा माइंड में रखना है कि किस तरह से क्लासिफाई होते हैं। अब सबसे पहले आपकी बात आती है कि हमारा फेरस आता कहाँ से। जब आप बात करते हैं फेरस मेटल्स की, तो फेरस सबसे पहले कहाँ से आता है, आपके पास जो ओर अवेलेबल है, ओर का मतलब जिसको हम हिंदी में कहते हैं खनिज, ये जो ओर होते हैं इनको हम क्या करते हैं, फर्नेस में पुट करते हैं। और फर्नेस में पुट करने के बाद जो हमें सबसे पहला आयरन मिलता है, ये सबसे पहले जो आपको रॉ मटेरियल मिलता है, जो सबसे पहले रॉ मटेरियल मिलेगा उसको कहते हैं हम, मटेरियल जो आपको मिलता है उसको कहते हैं हम, नाम है इसका पिग आयरन, पिग आयरन। अब ये पिग आयरन क्या होता है, पिग आयरन जो होता है सबसे बेसिक रॉ मटेरियल होता है स्टील बनाने के लिए और आपके कास्ट आयरन को डेवलप करने के लिए। यही जो बेसिक है पिग आयरन, इसी को उठा करके हम सारे मेटल्स को बनाने की कोशिश करते हैं, या उसके बाद इसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करके हम सारे मेटल्स को, स्टील हो गया, किसी भी ग्रेड का स्टील हो, किसी भी ग्रेड का कास्ट आयरन हो, उसको हम बनाते हैं किससे, बेसिकली पिग आयरन से। ठीक है, तो आप समझते हैं सबसे पहले पिग आयरन कैसे बनता है और कहाँ से आता है पिग आयरन, और इसका नाम पिग आयरन क्यों रखा गया है।